गाइस पीसी गेमिंग ना कंसोल और मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऑफर करती है आपको, क्योंकि आप गेम्स के अलावा और भी कई सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर करती है। आपकी FPS बढ़ा सकती है, गेम स्मूथ कर सकती है, ग्राफिक्स बढ़ा सकती है एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी गेमिंग एप्स जो कि हर एक पीसी गेमर के कंप्यूटर में होनी ही चाहिए। तो काफी यूजफुल एंड मजेदार वीडियो होने वाली है, अभी लाइक दबा दो एंड गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जीओजी एक गेम प्लेटफॉर्म है जो सीडी प्रोजेक्ट रेड ओन करता है। CDPR, विचर 3 एंड साइबरपंक जैसे गेम्स बनाने वाली जानी मानी कंपनी है। जीओजी का फुल फॉर्म है गुड ओल्ड गेम्स, जिसमें मोस्टली ओल्ड गेम्स मिलते हैं, बट ओल्ड के साथ साथ अब इस प्लेटफॉर्म पे न्यू गेम्स भी परचेज कर सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि पीसी गेमर्स को हर गेम लॉन्च करने के लिए एक अलग स्टोर ओपन करना पड़ता है। स्टीम के गेम्स के लिए स्टीम लॉन्चर, एपिक के लिए एपिक गेम स्टोर, यूबीसॉफ्ट के लिए यूबीसॉफ्ट कनेक्ट, ईए का ओरिजन है। फिर मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है ये एंड कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पीसी में गेम से ज्यादा तो उनके लॉन्चर्स पड़े हैं। बट जीओजी का एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है GOG Galaxy 2.0। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने पीसी के हर गेम को इस सिंगल प्रोग्राम से लॉन्च कर सकते हो। बार बार स्टीम या फिर एपिक ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके सारे गेम्स को एक जगह शो करती है एंड आप टोटल कितने गेम्स ओन करते हो ये भी शो करती है। इस एप्लीकेशन के और भी फीचर्स हैं जैसे क्लाउड सेव्स। इस प्रोग्राम में प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखा गया है, सो यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स जैसे डेटा की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गेम की सेटिंग्स को अपने पर्सनल और सिस्टम प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। कई बार कुछ गेम्स पोटैटो पीसी होने की वजह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, बट रीशेट की हेल्प से आप किसी भी गेम की सेटिंग को डीप लेवल पे कस्टमाइज कर पाओगे। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है जो कि ओल्ड गेम की ग्राफिक्स को इम्प्रूव कर देता है एंड न्यू गेम की ग्राफिक्स को कम कर सकता है लो एंड पीसीज के लिए। इस सॉफ्टवेयर को यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको यूट्यूब पर कुछ ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग गेम्स में अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। पीसी गेमिंग के टाइम बहुत सी चीजों को मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है कभी कभी, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकें। इसे आसान बनाने के लिए कई प्रोग्राम्स आते हैं, बट MSI का आफ्टर बर्नर इस पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एक फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ग्राफिक्स कार्ड की फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टेम्परेचर एंड परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की हेल्प से आप अपने गेम्स के FPS काउंट भी देख सकते हो, वो भी रियल टाइम में। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर को MSI ओन करता है, बट स्टिल ये एप्लीकेशन हर मैन्युफैक्चरर के कार्ड के साथ यूज हो जाती है। पीसी गेमिंग में कई बार गेम नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है एंड हम गेम बंद करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर फेस करी होगी, जिसमें हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं एंड वो हैंग हो जाता है। ऑल्ट F4 प्रेस करने पर या फिर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करने पर भी क्लोज नहीं होता, और उसे बंद करने के लिए हमें फोर्सफुली अपना पीसी रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। बट इस छोटे प्रोग्राम की हेल्प से जिसका नाम है Super F4, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजिली क्लोज कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, जिसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको बस कंट्रोल ऑल्ट F4 या फिर विंडोज F4 दबाना होगा जब भी कोई प्रोग्राम हैंग हो जाता है और वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। एक गेमर को सबसे ज्यादा पेन तब होता है जब उसकी सेव फाइल्स करप्ट हो जाती है। विचर 3 एंड RDR2 जैसे बड़े गेम्स की सेव फाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड ऐसा भी नहीं कि आप नेट से किसी और की सेव फाइल्स डाउनलोड कर लो। ये सबकी अपनी प्रोग्रेस होती है, सबने अलग तरीके से स्टोरी खेली है एंड इसलिए किसी और की सेव फाइल्स में खेलने का मजा भी नहीं आता। इस प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है कि आप अपने सेव फाइल्स का बैकअप बना लो, बट मैनुअली ये सब करना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है एंड टाइम भी लगता है। गेम सेव मैनेजर की हेल्प से आप अपनी गेम्स की सेव फाइल्स का बैकअप बना सकते हो। इस सॉफ्टवेयर से आप इजीली बैकअप, रिस्टोर एंड ट्रांसफर कर सकते हो। ये टूल तो हर गेमर के पास होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब कभी भी हमारे गेम्स में दिक्कत आने लगती है तो हमारे मन में आता है कि यार विंडोज को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार कंप्यूटर को, जिसके लिए आप या तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करोगे या फिर विंडोज ही नहीं डाल लोगे। लेकिन उसके बाद ना आपको मैनुअली सारे सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मेरा तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि भाई इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। बट Nynite की हेल्प से आप अपना कई सारा टाइम सेव कर पाओगे। ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है जिसकी हेल्प से आप कई सारे यूजफुल सॉफ्टवेयर को एक सिंगल लॉन्चर से इंस्टॉल कर सकते हो। इसका एक पेड वर्जन भी आता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बट अगेन आई डोंट थिंक उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब डिस्कॉर्ड के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप केव में नहीं रहते हो ना तो आप तो जानते हो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वैसे बना तो स्पेशली गेमर्स के लिए, बट आजकल इसे हर कोई यूज कर रहा है। प्लेयर इस एप्लीकेशन में सर्वर्स और चैनल्स बना सकते हैं जो एक तरह से ग्रुप ही होते हैं, जिनमें टेक्स्ट, वॉइस या फिर वीडियो की फॉर्म में बात की जा सकती है। इस प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन, फाइल्स एंड लिंक शेयरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन मैच शेड्यूल करने में एंड कम्युनिटीज को बिल्ड करने में भी यूज किया जाता है। वैसे गेम्स गॉसिप इंडिया का अभी तक कोई डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं है। आप लोग बताओ कि आप लोग चाहते हो कि हम गेम्स गॉसिप इंडिया का डिस्कॉर्ड सर्वर बनाएं एंड उसमें क्या करें, ये भी नीचे कमेंट्स में लिखो। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्लीनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पीसी की धूल मिट्टी तो साफ नहीं करेगा, बट सॉफ्टवेयर के लेवल पे यूजलेस एंड अननेसेसरी फाइल्स को ढूंढ ढूंढ कर डिलीट कर देता है, जिससे ओवरऑल पीसी की परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो जाती है। कई बार हमारे पीसी पे कुछ प्रोग्राम विंडोज स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक SSD वाले पीसी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट मैकेनिकल ड्राइव वाले सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से आप उन्हें भी डिसेबल कर सकते हो और साथ ही साथ आप कुछ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन में आप अपने आउटडेटेड ड्राइवर्स को भी अपडेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज कर रहा हूँ, मतलब 6-8 साल हो गए मुझे ऐसे यूज करते हुए, एंड ऑफिशियली जो फ्री वर्जन होता है ना वही यूज कर रहा हूँ, मैंने आज तक इसका प्रो नहीं खरीदा। OBS यूट्यूबर्स एंड स्ट्रीमर्स की पहली पसंद है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही एडवांस लेवल पे अच्छी अच्छी लाइव स्ट्रीम सेटअप कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को यूट्यूब एंड ट्विच पे स्ट्रीम करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड कई सारे यूजर्स से गेम पे रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी यूज करते हैं। इस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी की जा सकती है, ऑडियो एंड वीडियो एडजस्ट करना, फिल्टर्स एंड ट्रांजिशन को ऐड करना, ये सब इसमें पॉसिबल है। वैसे इसके दो वर्जन आते हैं, एक है OBS स्टूडियो जो कि ओरिजिनल OBS है, एंड फिर आता है स्ट्रीमलैब्स OBS जो कि उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, बट दोनों ही फ्री है एंड ओपन सोर्स है। स्ट्रीमलैब्स OBS बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है एंड उसमें काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट हाँ वो थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज भी लेता है आपके PC के। विंडोज का डिफॉल्ट अनइंस्टॉलर उतना अच्छा नहीं है, वो प्रॉपर्ली फाइल्स को डिटेक्ट या फिर डिलीट नहीं कर पाता। रेवो अनइंस्टॉलर की हेल्प से आप फाइल्स को प्रॉपर्ली डिलीट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम जो आप अपने PC में इंस्टॉल करते हो उसकी कुछ ना कुछ फाइल्स सी ड्राइव में स्टोर होती ही है। फर्क नहीं पड़ता आपने सॉफ्टवेयर किस ड्राइव में इंस्टॉल किया है, रजिस्ट्रीज एंड अदर फाइल्स विंडो की सी ड्राइव में ही स्टोर हो जाती है, जो धीरे धीरे बहुत स्पेस खा जाती है। रेवो अनइंस्टॉलर की हेल्प से आप गेम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली डिलीट कर पाओगे। इस प्रोग्राम का एक पेड वर्जन भी आता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, पर आपको शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा है। तो गाइस ये थे वो 10 ऐसे प्रोग्राम जो कि आप अपने PC पे यूज कर सकते हो अगर आप एक PC गेमर हो, एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये। आप कौन से PC प्रोग्राम्स रेकमेंड करते हो नीचे कमेंट्स में लिखो, और हम इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं वो भी बताओ, जिसके लिए वीडियो पे 15,000 लाइक्स करवा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।